अगर आपको दिखाऊं, इसमें हमने मज़दा कैरल का लगाया है, इसमें हमने डिगी लगाई है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मज़दा की गुलाइयाँ हैं। सो सिविक को हम अब अंदर जो इसके पिलर वगैरह हैं वो पेंट करने लगे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार जॉकयार्ड देख रहे हैं, मेरा नाम सैयद शहाब शाह है, मेरे साथ फरीद भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अच्छा जी, तो जनाब आज के दिन की रूटीन हम आपको बताएंगे, क्या कुछ हो रहा है। गाड़ियाँ खड़ी हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, और वो साइड पे 7। तो अब करना ये है हमने कि जी आज के दिन में इंशाल्लाह डेंटिंग जो हमने ख़त्म करनी है वो 1, 2, 3, इसमें कुछ नीचे नीचे काम है, मज़ीद जो हमने सस्पेंशन पक्की करनी है और चीज़ें थोड़ी बहुत सेट करनी है, एक्यूरेट करनी है, वो मज़दा में फ्रंट व्हील में कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग है, क्योंकि हमने टायर्स बदले थे तो टायर लग रहे थे, तो वो एक्सटेंशन की सेटिंग रह गई है वो। और देन ये इस गाड़ी में आप देख रहे होंगे फिटिंग्स चल रही हैं, डिग्गी लग गई है, वो उस्ताद लगे हुए हैं दरवाज़े, उसकी इंस्टॉलेशन उन्होंने सेटिंग कर दी है, अभी वो वापस रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें लग गई हैं, तो जो वेल्डिंग्स वगैरह थी वो भी हो गई हैं, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो सारा कुछ हो गया, अब इसमें से वापस चीज़ें उतार रहे हैं, ठीक है। तो बस उसके बाद इस पर इंशाल्लाह पेंट का काम हमने शुरू करना है, इस गाड़ी पर भी हमने पेंट का काम शुरू करना है और इस गाड़ी पर भी पेंट का काम शुरू करना है। तो ये तीन गाड़ियाँ ये इंशाल्लाह जो है ना पेंट के लिए रेडी हो जाएंगी। अभी हम, आपने देखा होगा कुछ दिनों से, आप नोट भी कर रहे होंगे, हमारे काम का थोड़ा सा जो हमारी स्पीड है वो बेहतर हो गई है। और डेंटिंग की जो नेक्स्ट हमारी जो दो गाड़ियाँ हैं वही एक मेहरान और एक जो अल्टो VXR, ठीक है, ये दोनों गाड़ियाँ हमने डेंटिंग के लिए इस पर डेंटिंग स्टार्ट कर देनी है, और इसका छत चेंज करना है, और सामने छत पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके जो है ना नोज कट वो भी ये सामने पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमने और बाकी सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह अगले वीक में दो में ये डेंटिंग के जो हमारा प्लान है वो इन दो गाड़ियों का है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये तीन गाड़ियां पेंट के लिए रेडी हो जाएंगी। तो जनाब होंडा इधर आप देख रहे होंगे ज़ोरों शोर से इस पर काम चल रहा है, दरवाज़े अंदर से भी पेंट हो गए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें जी, ठीक है, इसको हमने अंदर से भी तैयार कर दिया है, बाहर से भी तैयार हो गई हैं, अब जो है ना अंदर से हमने इसको पेंट डाल दिया था, कल के दिन भी लगा है इस पर, जुम्मा था लेकिन कल का दिन लगा है। और अभी देख रहे होंगे आप इसके पिलर्स जो है ना, क्योंकि ये काफ़ी बुरे हालात में थे, तो पिलर्स अभी इसके रेडी हो रहे हैं, आज के दिन में इंशाल्लाह पिलर्स रेडी होंगे, तो उसके बाद हमने इसकी वापस जो है ना सारे जो दरवाजे वगैरह होंगे ये सारी चीज़ें वो वापस लगा देंगे, और विद इन 3 to 4 days जो है ना वो आपका जो है ना बाहर का जो पेंट का काम होगा वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह टोटल इसमें 3 से 4 दिन हैं पेंट होने में ये गाड़ी, ठीक है। तो ये गाड़ी जब पेंट होगी तो नेक्स्ट जो हमारी तीन गाड़ियां हैं वो हमने लगा देनी है पेंट के लिए, पेंट जॉब के काम के लिए, ठीक है। तो ये जी सूरत हाल है इस वक्त, और शराड़ में मैं आपको दिखाता हूँ उसकी जो है ना वायरिंग का काम हमने कर दिया है, वायरिंग जो डैशबोर्ड की थी वो हो गई है, डैशबोर्ड अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, वायरिंग इसकी सारी हमने सेट की है, अभी आप देख रहे होंगे बिछा तो दी है सारी, अभी हमने इसका इंजन जो है ना इंस्टॉल करना है, तो इस गाड़ी का इंजन इंस्टॉल करना है। और देन हम अगर आते हैं, ये एक हमारे पास नया प्रोजेक्ट आया मेहरान का, ये 2000 मॉडल की मेहरान है, तो इसमें से हमने इंजन रिमूव कर दिया था, ये आप देखें, मैं आपको जो गाड़ी कहता हूँ कि यार एक्सीडेंटल ना हो, उसमें जंग ना हो, रस्टेड ना हो, ये देखें गाड़ी इस तरह की होनी चाहिए, ये आप देख रहे होंगे, ये इसके देखें आप फ्रंट, ठीक है, सिर्फ ये यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको हल्की फुल्की जंग दिखाई दे रही होगी, वो बैटरी की है लेकिन वो कोई मेजर नहीं है, ये आप देखें यहाँ से इसके ये बिल्कुल ठीक है, अपनी जोड़ वगैरह ये सारा कुछ ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं जनाब इस पर खैबर पर, खैबर का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा बड़ा इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन होने वाला है, इसमें हमने रिम टायर्स भी इंस्टॉल किए हैं, बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं इसके साथ, अभी हमने इसका जो छत है वो हमने सोचा है उसको थोड़ी बहुत लुक में हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं, इंजन इंस्टॉलेशन हो गई थी, इंजन अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी आपको स्टार्ट करके भी दिखाते हैं, इसका भी कंप्यूटर रह गया था, वो कंप्यूटर लगना, वायरिंग तो हो गई थी सारी, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, इंजन की इंस्टॉलेशन हो गई थी,
इंजन ऑयल गियर ऑयल हमने डाल दिया था इसमें, पानी शानी डाल के भी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप साथ रहिएगा, आपको दिखाएंगे। इसके अलावा इसमें अंदर भी हमने कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो सोची हुई हैं वो करना है अभी हमने, ठीक है। इसका इंटीरियर हमने करना है, इसके गत्ते वगैरह ये सारी चीज़ें भरेंगी दोबारा। और ये गाड़ी एक दफ़ा तैयार हुई थी लेकिन कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं थी, तो अब इसको हम दोबारा से सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप इसमें देख रहे होंगे हमने लीवर भी ज़िगज़ैग वाला इंस्टॉल किया है, जिस तरह विड्स में होता है या स्विफ्ट में होता है वो, ठीक है। तो ये जी सारा सीन है। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था वर्कशॉप की बेस्ट गाड़ी भी आई है। ये फरीद भाई की स्विफ्ट भी आई हुई है, इसको देखें इन्होंने ये मारा है, ये डेंट देख रहे होंगे, हाँ ये लगता रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे सिविक, अच्छा सिविक को छोड़ के उसके पीछे जो गाड़ी खड़ी है एफ एक्स, अब उसके भी दिन आगे निकालने के, उसमें कुछ छोटी मोटी पीछे वो है वेल्डिंग का काम है पीछे, और उसकी गमानियाँ वगैरह का काम करना है हमने, गाड़ी लोअर डाउन करनी है मैकेनिकली भी, और उसको आज हम निकालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फरीद सुन के हैरान रह गए, मतलब वो होता है ना एक शौक में बंदा चला जाता है कि आज निकालने वाली शौक नहीं, आज निकालेंगे इंशाल्लाह इसको, आज निकालेंगे। एक महीना हो गया इसको इधर खड़े हुए, डेढ़ महीना, हाँ तो आज निकालेंगे अपनी एफ एक्स को। यार एफ एक्स का क्या नाम रखा हुआ मैंने याद, नाम जो है वो दरिंदा रख लेते हैं, दरिंदा और क्या है, इतना बड़ा इंजन डाल नहीं, चलें सजेस्ट करें जो हमारे देखने वाले हैं, आप कमेंट सेक्शन में जो अच्छा नाम लगा इसका नाम रख लेंगे, ठीक है। डन हो गया, तो आप फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें आगे आपको दिखाते हैं अभी जो कुछ हो रहा है वर्कशॉप में। तो मज़ीद इसकी पिलर्स वगैरह जो है ना उस पर काम चल रहा है, और ये इसको इसकी बेस बना रहे हैं, ये रेडी करते हैं इंशाल्लाह, फिर पेंट भी डालना है साथ साथ, ठीक हो गया। और दूसरा यह है कि जो है ना वो मज़दा पे काम हमने स्टार्ट किया हुआ है, उस पर काम कर रहे हैं, उसकी जो फेंडर्स वगैरह हैं उसकी सेटिंग्स वगैरह सारी हो रही हैं, ठीक है, टायर्स के हिसाब से। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी डेंटिंग का कंप्लीट हो गया, डेंटिंग का जितना फेज था वो सारा हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया बस। अच्छा जी, बैक साइड से अगर आपको दिखाऊं, इसमें हमने मज़दा कैरल का लगाया है, इसमें हमने डिगी लगाई है, ठीक है। और फिटिंग्स आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से, गाड़ी की लुक जो है ना वापस निकल आई है, ठीक है। और अपनी प्लेसमेंट सारी जो है ना वो उस पर आ गई है, ठीक हो गया। तो ये कुछ जी, अभी वो नीचे भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इसमें जो जिधर वेल्डिंग्स वगैरह हैं वो साथ साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये भी बड़ा बेहतरीन होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हम इस वक्त खैबर को स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर इसके आ गए थे, अच्छा जी खैबर हमने स्टार्ट कर दी है, अभी इंशाल्लाह इसमें बाकी जो छोटी मोटी लवाजमात है वो करके इंशाल्लाह, और फिर आप लोगों से इसकी ड्राइव भी शेयर करते हैं, ठीक हो गया। ये जी इंजन भी आ गया है मेहरान का, ठीक है। इसमें हमने जी लगाना है ये लीवर शीवर लग गया, और इंजन भी जो है ना अभी प्लेस करना है इसमें। मज़दा की गुलाइयाँ जो है ना, ये फेंडर एक्सटेंशन जो हैं ये हल्की हल्की सेट हो रही हैं, ये देखें इस साइड की जो इसका कैम्बर है वो बिल्कुल ठीक है, फिटमेंट और इस साइड की थोड़ी सी सेटिंग अभी दरकार है, थोड़ी सी सेटिंग कर रहे हैं। सो सिविक को हम अब अंदर जो इसके पिलर वगैरह हैं वो पेंट करने लगे हैं, इस पर
पहले अस्तर डालेंगे, उसके बाद फिर पेंट डालेंगे। ठीक है, तो ये बन गई हैं इसकी गुलाइयाँ। बहुत बिगड़े हुए हालात थे इसके, लेकिन अभी ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गई हैं। हम अभी इस वक्त जो सिविक है उसके पिलर्स वगैरह जो हैं वो पेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, मज़दा का हो गया कंप्लीट काम। ठीक है, आप देख रहे होंगे अभी तो ये फ़िलहाल रॉ हालत में है, ये पेंट होगी तो बेहतरीन हो जाएगा लुक, आप देख रहे होंगे। अभी अलाइनमेंट भी थोड़ी बहुत होने वाली है, छोटी मोटी चीज़ें, तो गाड़ी को पेंट करेंगे। और इसके अलावा जी आपको खुशखबरी ये देते हैं कि जी FX में हमने काम दोबारा से शुरू कर दिया है, बहुत टाइम बाद इसको निकाला है। और अब जो है ना इसमें हमने काम करना है। अब करना क्या है, इसमें छोटे मोटे हल्के फुल्के डेंट्स आए हुए हैं, पहले तो हमने डेंटिंग की थी लेकिन अब और चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, दूसरा ये जो मैंने इसको कैम्बर किया हुआ है ना, तो ये इसको हम वापस कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं रिम टायर्स पर मैंने रखनी है गाड़ी, और इसको बिल्कुल लो कर देंगे। ठीक है, फ्रंट पे तो कॉयल ओवर्स हैं लेकिन पीछे इसकी कमानी है, तो कमानी सिस्टम उसको मैंने किया था, कैम्बर किया था और फिटमेंट, क्योंकि मैंने इसमें टायर्स और रिम टायर्स जो है ना वो बड़े डलवाने थे तकरीबन 7JJ के, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं रिम टायर्स पर रखूँ, इसको लो कर देंगे। अंदर कुछ छोटे मोटे वेल्ड्स वगैरह हैं, डेंटिंग का कुछ काम है छोटा मोटा, वो करना है, और उसके बाद इंशाल्लाह हमने गाड़ी जो है ना वो इसको पेंट कर देना है। ठीक है, पेंट जो है ना मैंने सोचा इसका ये है कि इसको मैट ब्लैक कलर में पेंट करना है। देखते हैं अभी मज़ीद और क्या कुछ हो सकता है इसके साथ। ठीक है, दूसरा आप ये देख रहे होंगे जी शराड में काम चल रहा है, मज़ीद इसमें जो छोटी मोटी अभी सेटिंग्स हैं वो करनी है, इसको पक्का कर रहे हैं, ये पक्का हो जाए इंशाल्लाह। तो आज इंशाल्लाह वो गाड़ी ख़त्म हो गई है, ये और मज़दा जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, बस ये भी इंशाल्लाह शाम तक इसके जितना डेंटिंग का काम है वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी इसका पेंट का करना है। ठीक है, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सिविक पर अभी हम जो है ना अंदर से अस्तर ये सारा कुछ डाल रहे हैं, और ये भी इंशाल्लाह गाड़ी इसमें हमने कल दरवाजे वगैरह जितने कुछ हैं इसमें वो लगा देने, और ये साइड भी देखें ये भी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें लगा देंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है ना बाहर का जो इसको फाइनल हमने करना होगा, 2 से 3 दिन लगेंगे इसमें, और ये इंशाल्लाह सिविक ये भी पेंट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो आज तक के लिए इतना ही था। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैं FX में मैंने की थी और बड़ी ही अच्छी लगती है वो चीज़। ये बम्पर्स आप देख रहे होंगे, ये मैंने बनाए थे, थोड़े से स्लिम से हैं, कोई मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं की, मैं इतना आदी नहीं हूँ इन बहुत ही ओवर मॉडिफिकेशंस का, आप वो मज़दा में देख रहे होंगे, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया उसमें, छोटी मोटी चीज़ें मैं करता हूँ गाड़ी के लुक के हिसाब से। तो अभी जब ये कंप्लीट होगी इंशाल्लाह तो अपना आप बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।